ट्रैफिक सिग्नल्स। इनके इन्वेंशन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1900 के दशक से पहले यूएस सिटीज की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग तो बहुत थे, लेकिन गाड़ियां बहुत कम। फिर अचानक 10 सालों बाद ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां कुछ इस रफ्तार से बढ़ने लगी। देखो ये है सन 1906 की सैन फ्रांसिस्को मार्केट स्ट्रीट। अब अचानक गाड़ियां तो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स का कोई सिस्टम नहीं था। डेली कई एक्सीडेंट होते थे और कई लोगों की मौत हो जाती थी। फिर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए गए, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ने लगी तो सिर्फ ट्रैफिक रूल से बात नहीं बन पा रही थी। उसके बाद कुछ इस तरह के ट्रैफिक टावर्स यूज होने लगे, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो इन रेड और ग्रीन सिग्नल वाले ट्रैफिक टावर्स के साथ एक पुलिसमैन को भी खड़ा किया जाने लगा। एंड फिर फाइनली 1920 में विलियम पॉट्स नाम के एक पुलिसमैन ने पहली बार किसी येलो लाइट का यूज करके दुनिया का पहला 3 कलर वाला 4 डायरेक्शनल ट्रैफिक सिग्नल इंप्लीमेंट किया। उसके बाद सर्किट्स की मदद से इन्हें दुनिया भर में यूज किया जाने लगा।